भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जान से मारने की धमकी भरा पत्र और संदिग्ध रसायन मिलने का मामला सामने आया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का आरोप है कि उन्हें जान का खतरा है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। रसायन सहित पूरा लिफाफा कब्जे में ले लिया गया है। सोमवार देर रात को FSL की टीम ने भी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के घर पहुंचकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के रेवेरा टाउन स्थित घर पर एक धमकी भरा पत्र पहुंचते ही हड़कंप मच गया। पत्र जिस लिफाफे में आया, उस लिफाफे में जो रसायन मिला है वह संदिग्ध है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के मुताबिक लिफाफे में एक चिट्ठी थी जो उर्दू में लिखी हुई थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का फोटो बना है, जिस पर क्रॉस बना हुआ है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि इससे पहले भी मुझे कई धमकी भरे पत्र मिल चुके हैं, जिसकी शिकायत मैंने पुलिस से की है, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जो पत्र है उर्दू में है और उसके साथ काफी कुछ पत्र लगे हुए हैं, तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी और अजीत जी डोभाल, कश्मीर के राज्यपाल जी, मेरा सबके फोटो क्रॉस लगा है और उसमें कुछ पदार्थ आया है जो पाउच में है और उसमें के अंदर एक और पाउच है, ऐसे दो डबल पाउच उसमें कुछ है जो कि खतरनाक है। उसको जरा सा खोलते पत्र खोला तो उसी समय इंचिंग होने लगी, तो मैंने तत्काल पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई, पुलिस सब कार्रवाई कर रही है, फोन कॉल्स भी आते हैं, उसकी भी जानकारी दी है, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं। अभी तो ये पदार्थ भी आ गया, ये बहुत खतरनाक है। सांसद प्रज्ञा के पास पहुंचे लिफाफे में उर्दू में लिखी जो चिट्ठी मिली है उसमें गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोटो भी है। उसमें मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद व अन्य आतंकियों के फोटो भी बने हुए हैं। DIG इरशाद वली ने बताया कि अक्टूबर माह में एक लिफाफा उनको मिला था, वह घर में पड़ा रहा था, जिसको खोला गया तो उसमें एक पत्र मिला है, साथ ही एक मार्कशीट, प्रोविडेंट फंड का एक कार्ड भी लिफाफे में था। सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बताया कि जब लिफाफा खुला तो उसमें मौजूद रसायन की वजह से हाथ में खुजली होने लगी। मुझे जान से मारने की कोशिश करने का काम राष्ट्रद्रोहियों का है। मोदी शाह योगी को मारने की बात करने वाला एक बार मेरे सामने आ जाए, हमें हथियार बारूद की जरूरत नहीं पड़ती, हम खुद उनके लिए चलती फिरती मौत हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।